किसान अपना खून बहाते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, तीन वक्त की फसल भी उगाते हैं, इस धरती माँ की गोद में अपना सर रखकर उसकी पूजा करते हैं। अन्न उगाने वाले किसान की आंखों में खून उबल रहा है, उसके आत्मनिर्भर विश्वास को चूर चूर करके उसकी जमीन को छीन कर उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बेचारे किसान की जिंदगी रईस की लालच में बलि चढ़ाई जा रही है। किसान की लाश पर साहूकार कित की तरह मंडरा रहे हैं। किसान ना ही गुलाम है ना ही गूंगा, हर किसान एक इज्जतदार आदमी है और उस इज्जतदार आदमी की खुद की आवाज है और इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। हे भगवान, चल चल ए चल, सुनिए जी, इधर आइए, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आता हूँ, चल पाया, चल पाया पाया, हट पाया पाया पाया, चल ए दाया, तू भी पाया, चल चल चल। बहुत गर्मी है। क्या बना के लाई हो? चावल की कांजी और आचार लेकर आई हूँ। ओह अच्छा, ऐसा क्या? कांजी गोला सुनते ही पानी आ गया। सुनिए ना, अब 20 दिन बाकी रह गए संक्रांति को आने को, बच्चों के लिए कपड़े खरीद दे क्या? सबको मिला के कितना होगा? करीब 5,000। अरे सोच के बोलो। अरे मैं तो सोच कर ही तो बोल रही हूँ, वैसे भी बच्चों को कहाँ नए कपड़े दे पाते हैं। देख लेंगे, चलो छोड़ो। देख लेंगे मतलब? अभी तक उनके स्कूल का ड्रेस नहीं खरीद पाए, इस बार अगर नहीं दे पाए तो उनका मन खराब हो जाएगा। अरे छोड़ो, खरीद लेंगे मेरी माँ। आप भी अपने लिए नए कपड़े ले लीजिए। अरे मेरे लिए काफी है। ठीक है, अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए खरीदिए। अच्छा कल मैं तुमको 3,000 रुपए देता हूँ, तुम उसे संभाल लो। ये क्या, संभाल लेना। 3,000 रुपए में क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा बोल रही हो? देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कुछ तो कीजिए। कर लूंगा। ओ जना। हाँ भैया बोलिए। अरे आकर थोड़ा कांजी तुम भी पी के चले जाओ, थोड़ा इसे भी दे दो। आओ। ये लीजिए। वैसे तुम्हारी बेटी क्या पढ़ रही है? मैसूर में MBA कर रही है भैया। उसे अच्छे से पढ़ाओ भैया, लड़की समझदार है, जल्दी से शादी मत कर देना। उसकी शादी के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है दीदी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ आलू भी लगा लो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है आजकल। सही है, हमें भी सुबह शाम मेहनत करके कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जब आप लोगों की जिंदगी का ऐसा है तो हमारी जिंदगी का क्या ही। छोड़ो जाना, कर। बोलिए। चेयरमैन नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं है। कब आएंगे वो? मुझे कैसे पता, मुझे कुछ बता के तो नहीं जाते। पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं परेशान। कभी भी आओ नहीं मिलता है। अरे ये तो इधर बैठा है। 5 साल में एक बार हमें ढूंढकर हमारे घर में आते हैं, अब जब हम इन्हें ढूंढकर इनके घर आते हैं तो हमें मिलने के लिए इतना नाटक करते हैं। गलती सारी हमारी है, चप्पल निकाल के हमें अपने सर पे मारना चाहिए। थू! खुद कर साला। हाँ
मुझे पी है। पिया हूँ इसके लिए मुझे बेवड़ा मत समझना, मेरा माइंड फुल काम करता है। इधर देखो क्या हो गया तुझे, रोज काम करने का रोज पीने का बस यही तुम्हारी जिंदगी है क्या? ऐसे करते रहोगे तो कैसे चलेगा? अरे जिंदगी यही है, सबकी जिंदगी यही है, काम करता हूँ पीता हूँ फिर करता हूँ, काम करने जाता हूँ वहाँ खाना पीना सब देते हैं, बस वही से मार लेता हूँ। अरे 50 रुपया फेंकता हूँ फिर वो सब लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता है। ये लगता है सरकार ने ही गलत कर दिया है, तुम तो वहीं पीते तो अच्छा होता है। सही कह रहे हो। और क्या, मेहनत करता हूँ, सरकार का वोट देता हूँ वोट। अगर हर महीने इलेक्शन होता रहेगा तुमको तो बहुत मजा आएगा, है ना? अरे दुर्गा, तू अभी मेरा मजाक उड़ा रहा है ना, तुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक सदस्य मेंबर हूँ, समझा? अरे तुम्हारी बीवी आ गई है, देखो देखो बाबा बाबा इधर से आओ। आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा किसी की बात। अरे मेरी बात लड़ क्यों रहे? मुझे नहीं सुनना, मेरी बात तो सुनो सब तुम। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या कर रहे हो? रुको पहले, अरे मत मार उसको, तुझे क्या हो क्या गया? तुझे क्या कर रहा है तू? समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं इतना मेहनत करके फसल उगाता हूं और ये कम दाम में फसल लेके जा रहे। सरकार हमें जिंदगी नहीं उधार देती है, जिंदगी भगवान देता है। खींच कर दूंगा ना तुझे, सब समझ में आ जाएगा। धरती माँ के ऊपर ही तुम गुस्सा करते हो, धरती माँ कभी अपने भक्तों को धोखा नहीं देती। समझ कर देखो, अपनी माँ एक बोझ समझ कर कभी अपने बच्चों को जहर नहीं पिलाती। दुन भाई चलो चलो, सब ठीक हो जाएगा इनका तो ऐसे। अरे तू शांत हो जा यार, समस्या का समाधान हो जाएगा, सब हो जाएगा। पिताजी क्या हुआ? पिताजी आप किस सोच में हैं? नहीं बेटा, ये सब बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। जानती हूँ पिताजी, टमाटर की कीमत हमें अच्छी नहीं मिली इसलिए दुखी है ना। देखो बेटी, ये सब बातें तुम छोड़ो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तुम जाओ, चलो स्कूल जाओ, जाओ जाओ। तुम्हें जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं है, ग्राम पंचायत के मेंबर होते हुए भी इधर आकर वक्त बर्बाद करते हो। इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये उम्र में बड़े हैं, मुंह मत लगो इनके। अरे रमेश जरा चाय पिलाओ। देता हूँ चन्ना भाई, ये लीजिए। दादा रमेश शंकर मुझे केला दो ना। उषा तुम्हारे पापा किधर हैं? वो इधर दुकान की तरफ आए ही नहीं। मुझे मंडी जाना है सामान खरीदने के लिए, जल्दी जाओ और उनको भेजो। मुझे स्कूल जाना है, मेरे पापा बाद में आएंगे, मुझे एक केले दे दो ना। अरे 2 रुपए में केला नहीं आता है बेटा। देखो ना अंकल, 2 रुपए में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं आएगा? क्या बोलूं कैसे आएगा, 5 रुपए का केला 2 रुपए में नहीं मिलेगा बेटा। अरे 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 रुको रुको रुको, ए, देखो बिल्कुल अपने पापा की तरह कर रही है। देखो देखो, पापा इतने शांत रहते हैं और बेटी कितनी नटखट है। आजकल के बच्चे तो गोद में ही सीख के सब कुछ आ जाते हैं रमेश भाई। हमारे किसान धूप और बारिश में जो मेहनत करते हैं उनके अनुसार उनको दाम नहीं मिलता। पिताजी देखिए ना मंडी में कितना फसल है। जब कोई फसल उगाता है उस टाइम उसके पास बीज के भी पैसे नहीं होते हैं और किसान बहुत कर्ज लेकर धरती माँ के विश्वास पे अपना फसल उगाता है। आइए एक टमाटर व्यापारी से बात करते हैं। आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव कदवली कनौ है। मेरा नाम है जगदीश गोंडा। मेरे नाम पे 1 एकड़ जमीन भी है। 1 एकड़ में हम फसल भी उगाते हैं, फसल भी अच्छे उगते हैं। हम कर्ज लेकर इस फसल को उगाते हैं और उस फसल को अभी मार्केट में लेकर आया तो उसका सही मूल्य हमें नहीं मिल रहा है। हमें इस फसल को उगाने के लिए पूरे 60,000 रुपया खर्च हुए हैं। अभी इस टमाटर की फसल को 8 रुपये केजी में देगा तो हमें 300 रुपये ही मिलेगा, इससे तुम्हारा कर्ज भी नहीं चुकेगा। ये है किसान की समस्या और सरकार अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी है। सरकार इन्हें किसी तरह की मदद नहीं कर रही है। ये सब देखने सुनने के बाद कुछ बोलने का दिल ही नहीं कर रहा है। अब ना जाने सरकार किसानों की समस्याओं को कब दूर करेगी। कैमरामैन राम के साथ मैं सुधा, बीपी न्यूज, थैंक यू। अरे बेटा हाँ? आज कोई भी चैनल लगाओ सिर्फ किसान के बारे में ही दिखा रहे। पापा आज तो फार्मर डे। फार्मर डे मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसानों का दिन, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के दिन। और 26 जनवरी को क्या होता है?
सैनिकों का दिन होता है। बाप रे, तो सब जानते हैं। दिसंबर को क्या होता है? चांद का दिन होता है। अब चलो आओ, सब खाना खा लो। पकड़ो। अरे तुम भी तो ले लो। खाओ बच्चा। माँ बस बस। इन लड़कियों के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर जाता है। कैसे इन लड़कियों की परवरिश कर पाऊंगा? हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा, कोई रास्ता दिखा भगवान। भाग्या, भाग्या, बच्चे लोग सो रहे हैं, थोड़ा दो मिनट के लिए अंदर आओगी क्या? क्यों? अरे आस्ते बोलो, नहीं तो बच्चे लोग उठ जाएंगे। दो मिनट के लिए अंदर तो आ जाओ। दिन रात काम करके मैं थक गई हूँ, आप सो जाओ। अरे अरे वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ पांच मिनट दे दो। आप मुझे थोड़ा सोने भी नहीं देंगे क्या? चलिए। क्या चल रहा है तुम्हारे? मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया। अरे नहीं रे, मैं उसके लिए नहीं बुलाया। तो फिर? देखो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ? भाग्य जरा सोचो, देखो अब बारिश का मौसम आने वाला है। अगर शहर में जाकर मैं किसी अच्छी दुकान से अच्छी बीज लेकर के आऊंगा तो अच्छी फसल हमारी भी उग सकती है। उसके लिए? उसके लिए? हाँ बोलिए ना। बच्चों का गहना दोगी तो अगले महीने में वापस कर दूंगा। अभी तक मेरे गहने तो छुड़ा के लाए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। बच्चों के गहने मैं नहीं देने वाली आप। भाग्य भाग्य सुनो ना भाग्य, अगले महीने तक तुम्हारा, बच्चों का, सबका गहना मैं वापस छुड़वा दूंगा। देखिए जी, थोड़े बहुत गहने ही तो है बच्चियों के, वो भी अगर गिरवी रख दिए तो। मैं जानता हूँ भाग्य, पर उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि बारिश अच्छी होगी तो मैं गहने दे देती हूँ, लेकिन जल्दी छुड़ा के लाइएगा। हाँ, हाँ? जरूर मैं छुड़ा दूंगा। अच्छा अब जाके सो जाइए, सुबह मैं आपको सोना दे दूंगी। अरे सोना तो दे दोगी, लेकिन लेकिन क्या अब क्या चाहिए आपको? सोना से ज्यादा यहाँ सो जाए क्या? देखो जी, सोना देने के लिए तैयार हो गई हूँ, फिर भी यहाँ सोना है? तुमने मुझे चांद जैसी तीन बेटियाँ दी, अब एक सूरज जैसा बेटा दे दो तो। सुनिए जी, पहले से ही तीन तीन बेटियां हैं, उन्हें अच्छी तरह से परवरिश कीजिए, बस सो जाइए। भाग्य कब भाग्य फिर खुलेगा मेरा? चलता हूँ भाई। ठीक है। क्या बात है मारी भाई, आपको देख के बहुत समय हो गया, कहाँ गायब रहते हो आप, कितने दिनों बाद आज आप? अरे सीमा पे बहुत समस्या है राजू भाई, कितना भी नजर डालकर हिफाजत करो टेररिस्ट अंदर घुस ही जाते हैं। ये सब हो क्या रहा है? देश की सीमा पे सैनिक लोग मर रहे हैं और देश के अंदर किसान लोग को आत्महत्या करनी पड़ रही है, ये कैसे दिन आ गए हैं? राजकरण के लोग आजकल राजनीति खेल रहे हैं, तरक्की के नाम पर तरह तरह की लूट मार करते हैं, वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, इसके कारण गरीब भी मरते जा रहे हैं।
हमें सिर्फ नाम के वास्ते ही आजादी मिली हुई है, वरना जनता के जीवन में ना तो कोई तरक्की है ना ही कोई फर्क पड़ा हुआ है। देश को वैसे आगे जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य से देश पीछे जा रहा है। देखो ऑटो आ गया। ऑटो तो आ गया है, लेकिन हमारा अच्छा समय कब आएगा? हाँ भाई आएगा आएगा। जय जवान जय किसान। चलो बच्चों को अनाथ करके चले गए। भाई मैं ले आ रहे हैं, इधर इधर। हम किस सहारे लेंगे? नमस्कार। नमस्ते। हमें कौन देखेगा? मैं किसके सहारे जीऊं? सुनिए ना। सुनिए ना, उठिए ना अपने बच्चों के लिए। शांत रहिए, शांत रहिए। सर नमस्ते। सर आपकी राज में किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई मदद मिलने की उम्मीद है उन्हें? आप चिंता मत करिए, मैं सरकार से बात करूंगा। आप इनकी मदद किस तरह करेंगे? देखिए ये भी मेरे गांव के हैं और इनके परिवार के लिए जो कुछ भी हो सकता है मैं जरूर करूंगा। मैं बर्बाद हो गई भगवान, क्या कर दिया भगवान ने, गलत किया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? होनी को कौन? सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी तकलीफ को कैसे दूर करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब माँ जी कृपया करके शांत हो जाइए, माँ जी शांत हो जाइए। मैं इस संबंध में सरकार के साथ बात करके इस किसान के उधार को लेकर बहुत दुखी हूँ। मैं सरकार से बात करूंगा कि मुआवजे के तौर पर 2,00,000 रुपए इन्हें मिल जाए। मुझे आशा है कि सरकार इनकी बात मानेगी। वैसे मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, इसलिए हमारी संगठन से बात करके जितना मदद हो सकेगा मैं करूँगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए भाई, फल वल के लिए हमारी तरफ से जितना हो सके इस किसान को दे दीजिए। ठीक है ठीक है भैया। ये ले, ये दे देना उनको, बांट देना। अरे देखो ये उनके घर में जाकर देकर आऊं, वो जो बैठे हैं उनको देकर आऊं। ठीक है भाई। देखो ये अन्नदाता है, उधार नहीं चुका पाया तो जिंदगी गवा बैठा। नमस्कार भाई। महादेव गौड़ा। भाई नमस्ते। महादेव गौड़ा नाटक करते हो, मेरे पैसे को कब वापस करने वाले हो? भाई इस बार दे दूंगा भाई। मैंने पैसे देते वक्त क्या बोल कर दिया था पैसा? भाई वो क्या है ना कि मैं दे देता लेकिन सुनो इस तरह बहाना मत बनाओ, कब तक पैसा देने वाले हो? भाई सब लोग बाहर देख रहे हैं, अंदर बैठकर बात करते हैं ना। तू मेरा रिश्तेदार है क्या जो बैठकर बात करूंगा? इस तरह का संबंध नहीं रहा तो क्या आप हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे? आइए ना बैठकर चाय पीते हैं और बात करते हैं। महादेवी रुद्रा हाँ? भाई आए हैं, दो कप चाय बना दो। मेरा रिश्तेदार नहीं, तुम्हारे घर में बैठकर चाय पीने नहीं आया हूँ, पहले पैसा दे मेरा। भाई भाई अपनी बहन के चेहरे को तो देखो, अंदर बैठ के बात करते ना भाई। इस बार कैसे भी करके मैं आपका उधार चुका दूंगा भाई। भाई अंदर आइए ना, अंदर आइए ना भाई, बस बाहर सब लोग देख रहे हैं। तुम्हारे घर में बैठकर रामायण सुनने नहीं आया मैं, पहले इधर पैसा दे मेरा। भाई 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 मैं आपके पैर पड़ती हूँ भाई भाई, इधर सब देख रहे हैं भाई, ऐसा मत करिए ना भाई। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तुम लोगों का न कोई बहाना न कोई नाटक चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अभी कहाँ से दे दो भाई, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम अपनी बीवी को बेच के दो या कैसे भी दो, मुझे कुछ नहीं बस पैसा चाहिए।
अभी तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, इंतजाम करके रखो, कल मैं फिर वापस आऊंगा। आपसे शादी करने के बाद क्या सुख मिला मुझको, हाँ जो आधार था उसे भी बेच दिया तुमने, अब मैं ही बची हूँ, मुझे भी गिरवी रख दो। अरे अब रो नहीं, तुम चुप हो जाओ। और क्या होना चाहिए, आज इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत चली गई, तुम देख के भी पत्थर बने खड़े थे, जरा भी शर्म नहीं आई तुमको? कौन सा बड़ा उधार दे दिया हमको उसने, अगर मेरा बेटा होता तो उसे छोड़ देता क्या? आने दो मेरे बेटे को बेंगलोर से, तब दिखाती हूँ उसे वही मर्द है क्या। देखो उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, उसे अच्छा काम तो मिल जाने दो। देखो यहाँ जो भी हुआ है उसे बिल्कुल मत बताना। ये ले भाई को फोन कर। हाँ ए फोन कर ना, देखती क्या है। आप जिस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस वक्त संपर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। माँ भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सबको गांव छोड़ के चले जाना चाहिए। कौन चाहता है ऐसे बेइज्जती वाली जिंदगी जीना। फिर वापस आऊंगा। अरे भाई, अरे भाई क्या क्या क्या, अरे रुक, अरे क्या कर गया, अरे भाई रुक जा, अरे 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 कोई आओ, अरे अरे पकड़ लो, अरे भाई क्या, भाई क्या कर रहे तो, अरे भाई कोई तो आओ, कोई बचाओ, अरे अरे कोई तो आओ, इधर आओ जल्दी आओ, कोई आओ इधर, अरे कोई तो आओ, अरे पकड़ो इसे, अबे हराम उतारो। अरे क्या कर दिया तूने भाई मेरे, अरे क्या कर दिया भाई, गौड़ा जी गांव वालों को कुछ मत बोलना, ये मामला इधर ही रहने दो, अगर बोलोगे तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ठीक है। ए क्या कर रहे हो, लाओ इधर दो मोबाइल, बेकार में यहाँ पे वीडियो बना रहे हो, वायरल करोगे इसे, एक आदमी यहाँ पे सुसाइड कर रहा है और तुमको वीडियो की पड़ी है। कोई आदमी अगर प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद करने को सोचो, ये वीडियो बनाकर वायरल करने को मत सोचो, कभी ना कभी ये तुम्हारे ऊपर भी आएगी, ये सब परिस्थितियां सबके ऊपर आती हैं। जाओ भागो यहाँ से। राजू भाई, तिमा भाई, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लड़की को एक फोन कर दो मेरे भाई। अरे उसको पढ़ने दो, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे अपने दुख के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा बात करना चाहता हूं उससे। तुम्हारे बेटे को अभी मैं फोन करूंगा तो वो परेशान हो जाएगा, मैं सुंदर के बेटे को फोन करता हूं। हाँ ठीक। गुड मॉर्निंग चाचा जी। क्या बात है चाचा जी, आपने सुबह सुबह फोन करके मुझे याद किया। अरे कुछ नहीं, वो सिद्धू के पिता मेरे साथ है, उन्हें सिद्धू से बात करनी थी। वो तो रूम में पढ़ाई कर रहा होगा चाचा जी, और मैं तो बाहर जॉगिंग के लिए आया हूँ, क्या हुआ है चाचा जी? करण, करण मेरा बेटा कैसा है? करण पढ़ाई कर रहा है ना? वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इस बार तो वो इंजीनियर बन ही जाएगा, और कुछ ही दिनों में उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। किसी भी तरीके से मेरे बेटे को बस इंजीनियर बनना है। अंकल
क्या हो गया अंकल? कुछ नहीं हुआ बेटा, मेरे बेटे का परीक्षा अच्छे से जाए और वो बड़ा आदमी बन जाए। अंकल आप रो रहे हो क्या अंकल? हेलो हेलो, हाँ बताओ क्या बात है, क्यों आए हो तुम लोग? एमएलए साहब, हमारे मंडप परिसर में इस बार 16 किसानों ने आत्महत्या की। 6 महीना हो गया लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली। अरे करके देता हूँ भाई, इतनी जल्दबाजी क्या है, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेट हो ही सकता है, फॉर्मेलिटीज हैं। अरे मुझ में भी तो इंसानियत है भाई। पैसा क्यों नहीं है साहब, पैसा तो बहुत है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं है किसानों की, ना ही इंसानियत बची आप में। हम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये इल्जाम तुम सरकार पर बिल्कुल मत लगाओ, समझे? जितने भी किसान और कूली हैं उनको हजारों करोड़ों उधार देने का नीति निकाल रही है सरकार, उसमें कोई चूक नहीं होने वाली है, समझे? सुनिए साहब, हम वोट डालकर आपको जिताए हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारी तकलीफ भी समझिए। जब किसान आत्महत्या करता है तो टीवी पे आकर बड़े बड़े भाषण देते हो, बोलना कुछ और करना कुछ। अरे किसानों को आत्महत्या करने के लिए मैंने थोड़ी ना कहा है, ये सरकार है, किसी की जागीर नहीं है। तुम लोग जाओ अभी, मेरा अभी मूड नहीं है बात करने का, बाद में आना तब बात करेंगे। एक दिन कह के 6 महीना हो गया मालिक, हाथ जोड़ता हूँ मालिक, पैर पड़ता हूँ, मदद कर दीजिए मालिक। अरे बिल पास होने में थोड़ा समय लगता है यार, हजारों करोड़ों का मामला है, थोड़ा वक्त तो लगता ही है इसमें, थोड़ा सबर कर लो, मिल जाएगा पैसा। अरे भाई चलो यहाँ से, नेताओं से मांग कर कोई फायदा नहीं है, सफेद लिबास में देखकर हम इनको दूध समझ रहे थे लेकिन ये दूध नहीं है, ये तो गटर से भी बदतर है ये लोग। चलो यहाँ से, इनके पास हाथ फैलाकर कोई फायदा नहीं है, चलो। ए मुझे वोट देकर कोई एहसान नहीं किया तुम लोगों ने, एक एक वोट के लिए पैसा दिया है मैंने, पैसा खरीदा है मैंने वोट, समझे? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ तुम लोग जाओ। देखो साहब, हमारी किसान की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, अभी आपका टाइम चल रहा है, हमारा टाइम जब आएगा ना तब हम दिखाएंगे। अरे इनके पास सुख और दुख को बांटा तो कोई फायदा नहीं है, चलो हम चलते हैं। हाँ ठीक है जाओ यहाँ से। ये क्या है, ऐसे रो रहा है जैसे खुद की जायदाद दे रहा है, वो कुछ कहावत है ना, जो बहरा है उसके पास जाकर अपना दुख बांटो तो कुछ सुनने वाला थोड़ी है। चलो भाई चलते जाओ जाओ चलो। जाओ यहाँ से, दिमाग खराब। कौन है, कौन है? उस तरफ बकरा, इस तरफ शेर, किसान की परिस्थिति कुछ ऐसी ही होती जा रही है, किसानों की आत्महत्याएं भी बढ़ती जा रही हैं और उनके साथ अन्याय भी। ओके सुमा, हमें भी किसान की तकलीफ को समझकर उनका साथ जरूर देना चाहिए, किसान आखिरकार अन्नदाता है ना। रात में जो किसानों के साथ हमला हुआ है मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया है, उसका पेन ड्राइव भी मेरे पास है, प्लीज सर उसका न्यूज बना दीजिए। ओके सुमा, कीप इट अप, मैं कुछ भी करके इसे टेलीकास्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अधिकारी।
अधिकारी साहब। नमस्कार। अभी अभी एक वीडियो मिला है स्वामी जी, वो क्या है ना, उसे टेलीकास्ट करने से पहले आपसे एक बात पूछकर बाद में टेलीकास्ट करने का हम सोच रहे हैं। कैसा वीडियो है वो? वो क्या है ना, अभी अभी पहले किसान के ऊपर गुंडे लोगों को भेजकर आपने हमला करवाया था उसी सिलसिले में। अरे ये भी कोई खबर है क्या? अरे रे रे रे, ऐसा मत बोलिए मालिक, इलेक्शन करीब आ गया है ना, और कुछ भी करके फ्यूचर में आप MLA बनने वाले हैं। इस इशू को टीवी चैनल में डालेंगे तो आप XML बन जाएंगे मालिक। 30 लाख रुपए देता हूँ, मामला रफा दफा कर दो। सुनिए MLA साहब, ये बहुत बड़ा आजाद देश का न्यूज चैनल है, हम आपसे कोई रिश्वत मांगने नहीं आए हैं। इस अखंड भारत के लिए एक फंड बेस करते हैं, इस 30 लाख में ये काम नहीं बनेगा, आपको कुछ बढ़ाना तो पड़ेगा। 50 लाख रुपए देता हूँ, वो वीडियो डिस्ट्रॉय कर दो। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, बच्चियों का क्या होगा, कभी सोच कर देखा है आपने? अरे गांव वाले बुला रहे हमारे भी, जब लोग बुलाते हैं तो हम बिना जाए कैसे रहे बताओ। आपको अपनी बच्चियों की जरा भी फिक्र नहीं है? अरे इतना क्यों परेशान हो रही हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जी बताइए, इतनी तकलीफ काफी नहीं है क्या? देखो उन लोगों ने कैसे मारा है, उन लोगों का हाथ टूट जाए। बच्ची आपके बारे में सोच के कितना रो रही है। अगर आपको ना घर छोड़ के अभी जाना है ना, तो हमारे लाश पैसे जाना होगा। सुनो ना, हमारी एक जवान बेटी है, एक लड़का भी है, अपने संसार के बारे में तो कुछ सोचो। सुनिए जी, क्यों ना हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं और जाके बस जाए। क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें, हम लोग जाकर बैंगलोर में बसते हैं, वहाँ कुछ काम कर लेंगे। हाँ, बेंगलुरु शहर की जिंदगी हमारे लिए नहीं है, हम जैसे के लिए तो गांव ही ठीक है, हम यहीं जिए और यहीं मरेंगे हम। ऐसा क्यों कह रहे, वहाँ इंसान नहीं रहते क्या? वो लोग जी नहीं रहे। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या इधर इंसान नहीं जीते? देखो इंसान गांव और शहर दोनों में रहते हैं, अच्छे बुरे हालात हर जगह होते हैं। सही गलत मुझे नहीं पता, किस्मत में जो है वही होगा। हेलो, हाय सुमा, करण हियर। कल फेसबुक पे पोस्ट देखा मैंने किसान के बारे में, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। इस विषय के बारे में मुझे बात करनी थी, हम मिल सकते हैं क्या? किस टाइम, किधर आना है? मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। चलेगा। थैंक यू, सी यू। हाय सुमा। हाय। क्या लोगे आप? कॉफी। कॉफी, अरे दो कॉफी। हाँ ठीक है सर। सुमा जी, आपका अलग किस्म का नेचर है, हमारे किसान के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हो आप, ऊंच नीच देखे बिना किसान को इंसाफ दिलाने के लिए एक महान व्यक्ति जैसा काम कर रही हैं। करना ही चाहिए ना। बिल्कुल सुमा जी, आपके माँ बाप किसान है क्या? नहीं, क्यों? आपके नॉलेज को देख के लग रहा है मुझे। वैसे आपके पिताजी किसान है क्या? नहीं, मेरे चाचा जी किसान है, वो गांव में रहते हैं, बहुत मुश्किल की जिंदगी काट रहे हैं, मैं उनके सपोर्ट में खड़े रहने के लिए सोच रहा हूँ। फाइन करण जी, किसान का दोस्त भगवान होता है, इस तरह के लोग महान व्यक्ति बन जाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सुमा जी। आप क्या काम करते हैं? इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर स्टूडेंट। माँ बाप? मेरे माँ बाप दोनों इंजीनियर्स हैं, लेकिन मुझे किसान बनने की ख्वाहिश है। और आपके माँ बाप? सर बिल। मैं आई कमिंग सर? यस कमिंग। थैंक यू सर। ये क्या सर, आपने न्यूज टीवी में टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? मैंने इतने विश्वास पे आपको दिया था, आपको टेलीकास्ट करना ही होगा। जो होना था हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है, डोंट वरी। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? ऑफ कोर्स, बट देख लेंगे, छोड़ो। अगर हम न्यूज वालों से जनता का विश्वास उठ जाएगा तो कैसे चलेगा सर? एमडी मैं हूँ या तुम हो, किसे टेलीकास्ट करना है किसे नहीं करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत दुखी होकर पूछ रही हो, इसकी समझ मुझे है, 2 महीने पहले ज्वाइन हुई और अभी मुझे पाठ सिखाने चले। क्या है सर, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। गलत नहीं है बेटी, कुछ मामलों में हमें बचकर रहना चाहिए। हाँ सर ठीक है, मैं समझ गई।
आपको किसी की परवाह नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। बारिश में नहीं, फसल में नहीं उतरी, भगवान हमारी तकलीफ कब समझेगा। हे कृष्णा कर। कैसे हो? और करण भाई क्या बात है, मंजू भाई कैसे हो आप? कब आए इधर? अभी अभी आया हूँ। क्या बात है, कैसे हो छोटे? मंजू भाई जरा दो गोनी खा दो। है ना भाई? कितना? 400 रुपए। क्या मंजू भाई 400 ना? अभी क्या? अरे कम करके देता हूँ, ले लो। ठीक है चलो दे दो। अरे दे दो और ऑटो में रखो। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे जल्दी जल्दी निकालो। बाकी मंजू भाई कैसे चल रहे सब कुछ? क्या बात है हीरो, इस खाद की गोनी को हमारे गौड़ा के घर में अच्छे से छोड़ के आ जाना। ठीक है बॉस। इसे पहन के जाओ, एक नंबर लग रहा है। चल जा अब। सुनो मंजू भाई, चलो चलता हूँ मैं, चलो चिंगी बाय। अरे सुनिए लगेज। अरे शाका। हाँ कहाँ से लाए हो, किसने दिए? अरे आप जिसे गोनी में लाने के लिए बोले थे उन्होंने ही भेजा है। पापा गौड़ा जी पैसा दो। पापा शायद भैया आए होंगे। वो कहाँ से आएगा? ये मेरा है। ये तो उन्हीं का ही है। अरे पूरा गांव बोलता रहता है, वो कहाँ से आएगा? चक्का कितना हुआ इसका? पापा भाई ने पैसे इसे दिया होगा, इसे मत दो। अरे तुम चुप रहो, कितना हुआ इसका? 40 रुपए दे दो। 30 रुपए होता है ना? नहीं 40 हुआ।
सर नमस्ते, मैं करण। राजा गौड़ा और माधव गौड़ा का उधार कितना है सर? उधर जमा कर दो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, कौन है? मुझे पहचाना नहीं, छोटी माँ, मैं करण। ओ, करण हो, मैं अच्छी हूँ, गाँव कब आ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ, त्योहार शुरू हो गया क्या? अगले हफ्ते है, तुम आ जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारे चाचा जी आ गए, लो बात कर लो। हाँ देती हूँ, करण है। अरे इस बार मत आना तुम, अगली बार आना तुम, हम यहाँ सब देख लेंगे। चाचा जी मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ और 2 घंटे में मैं वहाँ रहूंगा। वैसे चाचा जी पिताजी मुझे दीजिए। हेलो भैया, कब आ रहे हो? ए, क्या बात है छोटू, मैं बस अभी पहाड़ पे ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा मैं। इतनी देर क्यों लगा दी? इतने लंबे हो गए हो लेकिन अकल नहीं है। कितना बड़ा बैग है, इसमें क्या है? क्या छोटी माँ, इसे अंदर ले जाओ और मेहमान की खातिरदारी तो करो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। जाओ भैया से बातें करो। आओ आओ, अच्छे से खिलाऊंगी तुम्हें मिर्ची। क्या खिलाओगे तुम मुझे? और तुम लोग स्कूल वूल जाते हो कि नहीं, कि बस ऐसे ही मस्ती करते रहते हो? हाँ रोज जाते हैं हम। आप भी ना भाई जंगल की तरह दिख रहे हो, और ये क्या आप पूरा गांव घूम कर आए? हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरे तुम लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे भला? खाना खाने के लिए। अभी तक तुम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। बना खाना तो हम रोज खाते हैं। हमने सोचा था कि बैंगलोर से तुम कुछ लेकर आओगे, तुम तो खाली हाथ आए हो। अरे वो इधर है ना, वो गाय के लिए खाना है चाचा। पर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि आप नहीं समझते। अरे मुझे तो सुनाई दिया कि नो प्रॉब्लम, तो फिर खाने में ये खा लेते हैं। करण बेटा तुम आ तो गए हो लेकिन ये लोग तुम्हें काम नहीं करने देंगे। छोटी माँ पहले मेरी शादी के लिए तो कोई इंतजाम कर दो, इन लोगों के साथ खेल खेलकर मैं भी थक गया हूँ छोटी माँ। आहा क्या टेस्ट है माँ। ओहो जैसे ये खाने के लिए तुम शहर से आए। छोटी माँ ये खाने में जो टेस्ट है ना वो बाहर के खाने में कहा, और जो मेरी सेहत बनी है ना उसमें आपके खाने का ही तो हाथ है। खा लो खा लो, अभी और भी है, आप और लेकर आइए माँ, मैं और खाऊंगा। माँ इसे भी खाना खाद जैसा लग रहा है, इसलिए ज्यादा ज्यादा खा रहा है। अरे ए चुपचाप खाना खाओ, खाओ। आई बड़ी। ओ, अब क्या होगा, हम लोग तो जीते जी मर गए, ये तो चले गए, पता नहीं क्या होगा। तकलीफ में जो है वो तुम हो, मैं नहीं। फोन रखो। अरे करण कब आए? अरे तुम्हारा मूंछ हमेशा जमीन की तरफ देखकर नीचे रहने के लिए मैंने बोला था ना, हवा के रुख को बदलने में टाइम नहीं लगती। वो तो ठीक है लेकिन मेरा वैल्यू कम हो जाएगा ना। तुम्हें जो दे रहा हूँ वो वैल्यू से ज्यादा ही है। महादेव गौड़ा का कितना उधार बाकी है तेरे पास? अरे 55,000 और ब्याज सब मिलाकर 1,00,000 हुआ। मेरे चल पकड़। तेरा जो जो उधार था वो मैंने सब छुट्टा कर दिया है, अब किसान के ऊपर कोई भी बात आई तो, और अगर मुझे पता चला कि तुम उनके घर के पास या उनके सड़क के पास जाकर तमाशा कर रहे हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से कौन कैसा है ये भी देखने नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, तुम श्योर हो जाओ, ये मेरा वादा है। चल बाय। Ha 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 ha.
ए दुर्गा, क्या हो गया? इस तरह खड़े क्यों हो? छोड़ो, उसे सब देख रहे हैं। दुर्गा ऐसा ही है। अरे दुर्गा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी बीवी मर गई क्या? तो तेरी बीवी ने तुझे मारा है क्या? मैंने लॉटरी कर दी थी, मिल नहीं रही है। किधर से? कुछ तो लकी ड्रॉ बोल रहे हैं, 7.5 करोड़ का, 10 लाख मांग रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। अरे बेवकूफ, तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख आना वही बात है जैसे तुम्हारा पीना छोड़ना, समझे? ये भी कोई रोने की बात है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा, वो 15 लाख प्रधानमंत्री कृषि विकास योगदान की राशि अभी तक आई नहीं, वो भी गए समझो। अरे अभी बोल रहे हो, पहले बोल दिए होते। सुनो, जल्दी जाओ, बैंक में पैसा खत्म हो जाएगा। जल्दी से भागो बेवकूफ, पासबुक लेकर जाओ, जाओ जाओ। देर क्या कर रहे हो? अरे आ गया, तुम्हें भी पता चल गया मेरे अकाउंट में माल आ गया। जा जा जल्दी जा, चलते हैं, जा। आ गया माल। क्या बात है राजू भाई, आज इस तरफ आ गए? रमेश भाई से सामान खरीद के उनको पैसे भी तो देने होते हैं हमेशा। रमेश भाई, ऐसा लगता है कि इस बार 3 रुपए तुमने ज्यादा मांग लिया है, क्यों ऐसा? अरे राजू भाई, 1 हफ्ते पहले आपकी बेटी आई थी, 2 रुपए में 1 केला लेकर गई, तो 3 रुपया जो बच गया था वो पिछला बैलेंस मैं इसी में ऐड कर दिया हूँ। ऐसा आगे नहीं करना बच्ची। वैसे राजू भाई, लोग सिटी में जाते हैं, वहाँ एक बिग बाजार नाम का दुकान है, आप वहाँ से भी तो महीने का सामान ला सकते हो। वो तो ला सकते हैं चंटू भाई, अगर कल को हम मर गए ना तो हमें कोई मट्टी डालने भी बिग बाजार वाला नहीं आएगा यहाँ पर। आपने बिल्कुल ठीक बोले राजू भाई, वैसे ये गांव किस लिए है? छोटे मोटे व्यापारी नहीं जिएंगे क्या? हा? बस खा खा के अपना ही पेट बढ़ाओगे, देख रहे हो पेट तुम्हारा कितना बढ़ रहा है, अरे थोड़ा अकल लगाओ। अरे भाई, जितना है उतना ही खा के मेरा पेट निकल रहा है, मुझे बिग बाजार से सामान लाने की क्या जरूरत है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मजाक कर रहा था यार, तू गुस्सा क्यों होता है इतना? हो गया क्या रमेश भाई? हाँ हो गया, हो गया। ले जाओ भाई, ले जाओ। अरे बाप, ये लो पकड़ो। सारा सामान ठीक है ना? हाँ चलो आ जाओ बेटी। केला चाहिए क्या? इस 5 रुपए को यहाँ पर रखो और ले लो, ले लो, ले लो। गया केला, अभी जा रही हूँ। बहुत होशियार लड़की है। करण, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सॉरी सुमा जी, मैं एक लड़की से प्यार कर रहा था, उसका नाम था जानू, वो एक अनाथ थी, लेकिन उसके लिए उसकी दुनिया मैं ही था। हम दोनों सेम कॉलेज में थे और एक ही क्लासमेट भी थे। एक दिन बाइक से घर जाते वक्त Thank you.
अरे पंचर हो गया है। के बाद किसी भी सुन पर क्या लग है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। छोटी माँ मैं जरा शहर जाके आता हूँ। अच्छा करण संभल कर जाना। ये तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? आपके एक्टिवा साफ कर रहे थे। एसी बस नहीं टीवीएस होता है वो। यहाँ नो चांस, 6 महीने से तो ये गाड़ी कबाड़ में पड़ी थी। देखो अगली बार से मेरी गाड़ी के बारे में अगर कुछ भी कहा ना तो मैं अगली बार से तुम्हें राउंड पर ही ले लेकर जाऊंगा। भाई स्टार्ट करो, अगर स्टार्ट होगा तो घूमने जाएंगे वरना सो जाएंगे। ये तो मुर्गी के साथ रह के मुर्गी जैसी बात कर रही है। चलो हटो, मुझे गाड़ी स्टार्ट करने दो। चलो बैठो। देखो अभी मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ। बैठ जाओ आराम से। गाड़ी कैसी है देखो। ये Thank you.
गीता क्या सोच रही हो तुम? बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं जी, आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या मैंने कोई गलत फैसला लिया है क्या? नहीं जी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। अरे सीमा, मैंने अपने देश की परिस्थिति देखी और जब देखा तो ऐसा हो गया। इधर गांव में हमारे किसान भाइयों की जिंदगी देखी तो और क्या कर सकता था मैं? इतने सालों तक देश की रक्षा की सीमा पर जाकर, अब गांव की भलाई के लिए कुछ करूं? नहीं, आपने एकदम सही किया है। कल को आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा पूछने वाले हमारे बच्चे भी तो नहीं है ना? मरने के बाद अपने साथ कौन क्या ले जाएगा? एक ना एक दिन सभी को मरना है। हाँ सर, आपने अच्छा फैसला लिया है। कुछ भी हो, आप जैसा फैसला कोई नहीं ले सकता सर। हम आपका इंतजार कर रहे हैं सर। चलिए सर। नमस्ते। 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 नमस्ते सर, मैं करण हूँ। अपने सुंदरम का बेटा है ना तू? बगैर छुट्टी लिए बगैर बोले गांव आ गया है। पिताजी गांव को भूल गए हैं, लेकिन बेटा गांव को नहीं भूला है। मालिक, आपने जैसा बोला था वैसे ही कागजात तैयार किया, एक बार देख लीजिए। सब सही ही होगा, छोड़ो क्या देखना है इसमें। अरे एक लौ देख लौ। तो लीजिए। गांव की भलाई सोचकर आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर जो इस गांव के लिए जमीन दी है उसका हम ख्याल रखेंगे। मारी भाई, आपने मिलिट्री से मिली हुई जमीन को हम गांव वालों को दान में दिया है। इससे महिला संगठन और सोसाइटी का बहुत फायदा होने वाला है, सच में कह रही हूँ। भगवान आपको लंबी उम्र दे। गांव के लोग जब तक एक साथ रहेंगे किसी भी तरह की समस्या हमें सामने नहीं आएगी, चिंता मत करो। सरकार से जो सुविधा मिलती है हम वो भी लेंगे ना मैडम? हमारे क्षेत्र की तरक्की के लिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है। आप जैसे लोगों के होने की वजह से इस दुनिया में बारिश हो रही है। ठीक है गौड़ा जी, हम चलते हैं। ठीक है, ख्याल रखो मैडम। नमस्ते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई चलो। ये क्या सर, आपने न्यूज टीवी में टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? जो हुआ सो हुआ, छोड़ो बेटी, कौन सी बड़ी बात है। अध्यक्ष बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। सो सर, दिन प्रतिदिन आपके क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। आज भी एक किसान ने आपके क्षेत्र में आत्महत्या किया। आप कौन से टीवी न्यूज चैनल से बोल रही हैं? किसी टीवी न्यूज से नहीं, एक प्रजा होने के नाते आपसे बात कर रही हूँ। आज तक आप किसी भी किसान के घर में एक सहायता करने के रूप में गए हैं क्या? समाधान के लिए या फिर सहायता के लिए गए हैं क्या? आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? अगर किसान खुद आत्महत्या करना चाहेगा तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी आजकल कोई भी किसान आत्महत्या करता है तो उसका इल्जाम हम जैसे लोगों पर लगा दिया जाता है और लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अब ऐसे मामले में हम क्या कर सकते हैं बताइए? चुनाव आने के पहले आप लोग किसान के पास उनके रक्षक बन के जाते हैं, और उसके बाद अगले चुनाव में क्या लगता है आप जीत पाएंगे? कैसे जीतना है ये बात तुम मुझे मत सिखाओ। एक क्वार्टर दारू, एक बिरयानी का पैकेट और 500 रुपए देकर मैं वोट जीत सकता हूँ, समझे तुम? और इस बार आने वाले चुनाव में भी मैं यही करने वाला हूँ। तो मैं कैसे जीतूंगा इसकी चिंता तुम मत करो। नमस्ते सर। नमस्ते। आप किसान के पक्ष में खड़े होकर लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। बोलिए क्या बात है? अभी क्या करना है, क्या बात है, क्या खबर है बता। भाई आप जिधर भी बात करते हो पहले गुस्सा ही दिखाते हो। आपने जो बात किया है व्हाट्सएप और फेसबुक पे वायरल हो गया। अरे कौन सा टीवी है, कौन सा चैनल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बता। आप अपने फोन से जो टीवी वाली लड़की से बात कर रहे थे ना भाई, वो। अरे वो टीवी वाली लड़की नहीं है, वो कोई और लड़की है यार। तू किस लिए आया है वो बता। भाई बात ऐसी है, गांव के सारे लोग मिलकर एक साथ आकर आपसे समाधान पूछेंगे। ए तू मुझे मत सिखा, उनको आने दे, उनके मुंह पे थूक के उनको वापस भेज दूंगा मैं, समझा? ठीक है भाई। मैं इस गांव की जनता, तरक्की, गांव का उद्धार, समाज और जनता का कल्याण, पूरे गांव की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये कोई मजाक की बात है क्या? सर
मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, मैं जरा चार्ज करके आता हूँ। यहाँ सैकड़ों लोगों के घर है, किसी के घर में भी जाके अपना फोन चार्ज कर लो। जाओ वो वहाँ कर लो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ऐसे ही तसल्ली देते रहेंगे। सुना है मारी नाम का एक आदमी अपनी जमीन को दान में दे रहा है, पागल है क्या वो? और उसके साथ मिलकर सारे लोग अपनी जमीन को दान में दे रहे हैं, क्या बात है? इलेक्शन पास आ रहे हैं भाई, इस बार इलेक्शन की जिम्मेदारी मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। तुम जनता का विश्वास जीतो, समझे? जो करना पड़े करो, एक वोट के लिए भले ही 2000 रुपए खर्च करना पड़े मैं दूंगा। 3000 होने दो भाई, आप क्यों डरते हो? हर जगह आप ही हो भाई। चाहे जो भी हो जाए, मुझे ये इलेक्शन जीतना ही है रुद्रा। चाचा जी मैं मोबाइल भूल गया हूँ, जरा जाकर लेकर आता हूँ। सर हाँ, वो मैं जरा मोबाइल भूल गया था। हाँ तो लेके जाओ ना, कोई बात नहीं। हाँ चलो सर। हाँ हाँ। जनता बेवकूफ है, भले एक वोट के लिए 2000 रुपए खर्च करने पड़े करो। देखो चाचा जी, ये देखो, ये आपका नेता है और इनको वोट देने के लिए जा रहे हो आप सब लोग। वाह क्या बोलते हो मौर्य प्रसाद, हमारे गांव में ही सबसे ज्यादा वोट है, इस बार इलेक्शन आने दो, सबक सिखाएंगे सबको एक बराबर। हमारे गांव का एक आदमी भी वोट नहीं डालेगा, सबके सब चोर हैं। वोट देना जरूरी है चाचा जी, ये हमारा हक है। वोट को लेकर ये लोग कितना चीटिंग करते हैं पता है ना आपको? ये जो वोट के साथ चीटिंग हो रही है ना, इसे हमें कहीं ना कहीं तो रोकना ही होगा। बिल्कुल सही कहा बेटा। चाचा जी हमारा वोट ही हमारा अस्त्र है, अगर उसे हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये प्रजा सरकार ये सब कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बोला बेटा। वैसे ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं ना, इन सब लोगों को आप नहीं जानते। अगर हमने हमारे गांव के लिए सही उम्मीदवार नहीं चुना, हमारा गांव खतरे में होगा। एक वोट तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी जरूरी होता है और भिखारी के पास भी एक ही वोट होता है। अरे बात पर तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई, तुमने जो कुछ भी कहा है उसमें सोचने वाली बात है। ये कैसे हो सकता है करण? आर्थिक बोले तो पैसे के मामले में ये जो गरीब और अमीर लोग करते हैं ना वो। हाँ यार सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। वैसा ही इस बात को लेकर ही हम सबको अलग से बांट कर रखे हैं ना वो लोग। आप और मैं और हर तरफ से सभी लोग मिल गए तो 85% लोग बन जाएंगे। लेकिन करण इस देश में सारे नेता ऊंच नीच ये जाति धर्म के बारे में ही बात करके वोट लेते हैं। अरे उसी कारण को लेकर हम सबको समाज में जो हल मिला है उसको लेकर हमारे इस वोट को आर्थिक व्यवस्था और समाज के सुधार की में ठीक से इस्तेमाल करके देश को आगे लेकर जाने का, इसीलिए जनता जनार्दन को बचा कर रखने का सब लोग, समझे? वो सब तो ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की है, तुम्हें ये सब कैसे पता? सोशल इंजीनियरिंग चाचा करता हूँ मैं, ये सब कुछ पता है मुझे पहले से। कौन सी इंजीनियरिंग भाई? सोशल इंजीनियर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने जो बात बोली है उसे हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखनी चाहिए। बोलिए मरियप्पा जी, आपका सपना क्या है? किस तरह से आप बदलाव लाना चाहते हैं? आपके दिल में इसके लिए क्या ख्याल है? मेरा जो कर्तव्य था मैंने कर दिया है। 4 एकड़ जमीन गांव को देकर गांव की भलाई करूंगा, ऐसा सोचकर ये सब किया। इससे गांव का कुछ तो भला होगा। ठीक है सर, आपने इसके बारे में क्या सोचा है? और हमारे इंजीनियर लड़के से पूछो, ये कुछ तो सही बताएगा। बोलो सर। हमारे जो मरियप्पा ने जो जमीन दिया है उसमें स्कूल, हॉस्पिटल और वेटरनरी और एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने का हमने सोचा है। बस फिलहाल के लिए इतना ही है वो मैडम। कुछ कोल्ड स्टोर बनाने की बात कर रहे हैं, वो क्या है? सिंपल है मैडम, आज आप अपने घर में फ्रिज को इस्तेमाल करती है ना, उसमें फल सब्जी या सब रखने से खराब नहीं होती है ना, ये भी बस वैसे ही है। ठीक है सर, कोल्ड स्टोर की आवश्यकता हर किसी को, लेकिन कोल्ड स्टोर की आवश्यकता गांव वालों को क्यों है? ये तो बहुत जरूरी है मैडम, हमारे किसान जो उगाते हैं उस फसल को बचा कर रख के जब उसको दाम मिलता है तब बेचने के लिए दे दिया तो बहुत अच्छा होगा ना मैडम, इस तरह से हमारे किसान अपनी तकलीफ से छुटकारा पाएगा ना मैडम। ये बहुत बढ़िया सोच है करण जी, लेकिन ये सफल होगा क्या? जरूर होगा मैडम, सक्सेस हमें मिलेगा ही मिलेगा, और इस सक्सेस के आगे सबसे बड़ा जिसका हाथ होगा वो एक फ्रिज ही होगा। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, धन्यवाद।
भैया देखो कौन आया है आपसे मिलने। हाय। ये हाय सुमा, आओ बैठो। भैया ये तो आपकी फेसबुक फ्रेंड है। फेस दिखाने के लिए आई हूँ। ये लोग ना कितने मजाक उड़ाते हैं मेरा। आओ बैठो ना, ये लोग मेरे चाचा जी की लड़की हैं, बहुत शरारती हैं। करण ये लो छाछ पे। छोटी माँ, ये मेरी दोस्त सुमा, जर्नलिस्ट है। नमस्ते आंटी। क्या लेंगी आप, कॉफी या छाछ, क्या लेकर आऊँ? कुछ नहीं चाहिए आंटी, बस पानी चाहिए। कैसे चल रहा है काम सुमा? अच्छा चल रहा है। क्या है, घर वालों को बताए भी नहीं जा रहे हो? घर वाले घबरा जाएंगे ना। ये लीजिए। थैंक यू। करण तुम जो बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे हो ना, उसी में मन लगाओ बेटा, गांव के परेशानियों में मत पड़ो। छोटी माँ, मुझे हमेशा से गांव के लिए कुछ करना था। जो आए थे मेरे हिसाब से वो बैंगलोर के लोग थे। बैंगलोर हो या मुंबई हो मुझे सब पता है, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं। छोटी माँ, मुझे सब पता है। ए, तुम लोग चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, सब फैला के रखा है, चलो। मेरी छोटी माँ हमेशा से ऐसी ही है। मुझे देखने। अरे नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ऐसी। बाहर बुलाओ अपने पति को, बाहर बुलाओ। हमारे गांव में रहते और गांव वालों का ही काम नहीं करते तुम। आप चुप रहिए, मैं बात करता हूँ आज इससे, इसका फैसला होकर रहेगा। हमारे गांव में नौटंकी दिखाकर जीते हो और इस एमएलए की बात को सुनकर हमारे गांव की लड़की को मारते हो। जब तक ये सैनिक इस गांव में है तुम लोग किसी को मार नहीं सकते हो। कितने गुंडे बुला के ले आओगे, ले आओ, देखता हूँ आज सबको। फोन लगाओ अपने एमएलए को, बुलाओ उसके एमएलए को यहाँ पर। ए, फोन बज रहा है, उठाओ, लाउड स्पीकर पे ऑन करो, बात करो, बात करो। करण का क्या हुआ, क्या हुआ? उसका इस गांव में आने के बाद मेरी इज्जत ही खत्म हो गई है। इस इलेक्शन में मेरा जीतना बहुत जरूरी है। अगर मैं इलेक्शन में हार गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बात करो, करण जिंदा है या मर गया है? भाई उन गुंडों ने सब बता दिया। भाई क्या सब बता दिया है? अगर मैं फंसा तो तुम्हें भी मार दूंगा। भाई भाई ऐसा मत करो, इतना दिन आपकी बात सुनकर गाँव वालों को बहुत परेशान कर दिया। भाई मेरी जिंदगी को कुछ मत करो, भाई मुझे जीने दो। भाई अच्छा तो ये पूरा तेरा ही काम है, हमारे लड़के को हमारे ही गांव के लोगों के सामने मारोगे? जब तक ये सैनिक इस गांव में है बुरा नहीं होने वाला। करण को छोड़ तू रुद्रा का भी कुछ नहीं कर सकता। इतने सालों तक जैसा तुम चाह रहे थे वैसा मैं कर रहा था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से इन गाँव वालों को परेशान किया और सताया। मेरा और इन गाँव वालों से अच्छा और पुराना रिश्ता है, अब जो उखाड़ना उखाड़ लो। एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही है। याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझा? मैं तुझे कुत्ता समझता था लेकिन तू सुअर। चुप कर, ज्यादा जबान चलाया तो जबान को काट कर रख दूंगा, समझे? ये हुई ना बात रुद्रा, अब हम दिखाएंगे उसे मर्द क्या होता है, अब पता चलेगा। डरिए मत रुद्रा भाई, हम आपके साथ हैं। अरे उसे जो करना है करने दो, हम लोग भी देख लेंगे। हाँ रुद्रपद, तुझे मारे तो भी एक ही है या फिर मुझे मारे तो भी एक ही बात है। चलो मैं चलता हूँ। अरे क्या करते हो, चलो जल्दी चलते हैं। ए सुनो रुद्र बेटा, अभी तक तुम एक बुरे इंसान बनकर जिए हो, कम से कम आगे से एक अच्छा इंसान बनकर जीना सीख लो। हाय
हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। हमारे नेता श्री राम गौड़ा जी की जय हो। रुद्रा, तू पिछले 20 सालों से मेरा दोस्त है, उसके बावजूद भी तू ऐसा किया। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम ये सब ठीक नहीं है, तू आ जाना। अरे समझा? मैंने तेरे साथ कितने सालों तक काम किया है, लेकिन आज तुमने मेरे खिलाफ कुत्ते का नाम देकर बेइज्जती कर दिया और तुमने दगाबाजी मुझसे किया। वो सब तू भूल जा यार रुद्रा, जो तू दोस्त है यार मेरा, जो दिल में है वही मुँह से निकलता है मेले साहब। मेरे लिए गाँव वाले मेरे पीछे खड़े हैं, वही मेरे लिए सबसे पहला है। ए रुद्रा, जिसके पास पैसा है वही राजा है, दुनिया उसी के सामने झुकती है, तो इन गांव वालों की औकात ही क्या है। सुनो, तुम्हारा पैसा है ना, मेरे गांव वालों के सामने पैर का धूल है। समझ जा तू, ये आखिरी चांस है तेरा, समझ जा। अरे तुम्हें तो लास्ट चांस भी मिलने वाला नहीं है, वोट भी मेरा है, सीट भी मेरा और ये कुर्सी भी मेरा है, चल निकाल निकाल। यही रुद्रा तुम्हें देख लेगा नेक्स्ट प्रोग्राम में, चल निकाल। अब कुछ भी चिंता मत कीजिए नेताजी, इधर का ओरिजिनल वोट सब आपको मिलेगा। मैं भले ही पी कर रहता हूँ, लेकिन सारा वोट मैं आपको दिलवाऊंगा। अरे तू तू निकल यहाँ से। आप मुझे क्यों भगा रहे हो, आपको एक वोट नहीं चाहिए क्या? एक वोट खराब हो जाएगा आपका, जिससे आप हार भी सकते हो। समझ लेना। ए, ये ले पकड़ इसको, चल निकल निकल निकल, चल चल निकल यहाँ से। महालक्ष्मी, स्वराज गोंडा जी की जय हो, स्वराज गोंडा जी की जय हो। माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ए, रुद्रा को बुलाओ, रुद्रा घोड़ा जी को जल्दी बुलाओ, रुद्रा को बुलाओ। हाँ हाँ बुलाओ उसे, क्यों जाओ, रुद्रा घोड़ा जी को जल्दी बुलाओ, जाओ जाओ बुलाओ, जाओ। देख रहे हो भाई, क्या बात है भाई? राजू भाई आइए अंदर बैठ के बात करते हैं, चलिए आइए आइए। हमने सूद ब्याज सब दे दिया है रुद्रा भाई, आप हिसाब कर दीजिए हमारा। मेरा भी हिसाब कर दो रुद्रपा, मैं भी उधार लेकर ब्याज भर भर के थक चुका हूँ, कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, आपको जो परेशानी नहीं देना था वो मैंने दे दिया था, एक गरीब की जिंदगी को पत्थर बना कर रख दिया, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। रहने दीजिए, छोड़िए रुद्रा जी, हम सब गरीब है, कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं। आपका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका उधार तो हमें देना ही पड़ेगा ना? नहीं भाई नहीं, तुम्हारे उधार को हम चुकता कर देंगे। दूध पीकर बच्चे नहीं जी पाते हैं, तो इस जहर को पीकर बच्चे जी पाएंगे क्या? अभी आपने जो पैसा दिया है वही मेरे लिए काफी है, इस पैसे को देकर मुझे मार डालो। आप लोग मेरी बिरादरी के नहीं हो ऐसा मुझे पता चल गया है, बड़े लोगों के साथ रहने से अच्छा है गरीब लोगों के पैरों में जीऊं। ये कौन है, ये कौन है, अच्छे से देख लो भाई ये कौन है। ये मसीहा है, ये मसीहा है, हम जैसे गरीबों का ये भगवान है, पूरे गांव वाले इसे पहचान लो भाई, चलो चलते हैं। चलो रे, चलो रे, चलो चलो चलो, चलो। रुक जाओ मेरे प्यारे गांव वालों, रुक जाइए रुक जाइए। आप लोगों को परेशानी देकर, आप लोगों के जमीन जायदाद से धोखाधड़ी करके मैंने जो कागजात इकट्ठे किए, मैं इस कागजात को खुद अपने हाथों से जाकर तुम्हारे बीबी और बच्चों को सौंप कर मैं इंसानियत दिखाता हूँ। ये लो कागजात पकड़ो। चलो चलो चलो, हाँ हाँ चलो चलो।
भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हमारे गांव में आने वाले हैं। उनका हमें पुरजोश तरीके से स्वागत करना है। नमस्ते 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 नमस्ते। हमारे मंचा गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हुए हैं। हमारी संगठन की ओर से हृदय पूर्वक हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंत्री जी के बगल में हमारे अध्यक्ष राजू गौड़ा जी भी मंच पर उपस्थित हैं और वैसे ही करण जी भी मौजूद हैं। हमारे मार्गदर्शक सीएम साहब का हमारे साथ बैठे उन सब की तरफ से, आपका ग्राम सेवक की तरफ से कोटि कोटि स्वागत करता हूँ और हमारे रुद्र जी की तरफ से भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्या हुआ है? ये इन्हीं गांव वालों की वजह से मुझे ये हार का सामना करना पड़ रहा है। गुरुजी, इनकी तरक्की होती ही जा रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो हमारे संगठन के बारे में, हमारे गांव के बारे में दो शब्द कहें। आइए सर, आइए आइए सर। इस समुद्र के आसपास रहने वाले हर एक गांव में, इन जगहों में रहने वाला ब्लैकमेंट एरिया, हाँ सही है, आई मीन ग्रेफिट एरिया, इसे कुछ भी करके डोमोलेस करना ही होगा, समझ रहे ना आप? ये काम हो जाना चाहिए, समझे? अगर इसे डेमोलेस नहीं किया तो आपका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा एमएलए साहब। भाइयों और बहनों, बड़े छोटे, युवाओं, नौजवानों, अध्यापक, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं इस मंचा गांव को आत्मनिर्भर गांव कहूंगा तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका कारण है, अगर बगल में रहने वाला 40 गांव भी मिला तो टोटल ग्राफिट एरिया है 6 किलोमीटर, मतलब सर्कमस्टांसेज है इस एरिया में। एक गांव आत्मनिर्भर हो गया है, ये अपने आप में एक तरक्की है। एक गांव में खोदना शुरू किया तो 6 गांव में भूकंप आ जाएगा गौड़ा जी। तो अब हम क्या करेंगे? इस गांव में बोलने से ज्यादा करने के सिद्धांत को साबित किया है। अगर ये काम कर दिया तो सिर्फ एमएलए नहीं, पूरे राज का अधिपति बन जाओगे एमएलए साहब। राजगद्दी के लोगों को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ये आप लोगों ने उन लोगों को समझा दिया है। गांव के 4 लोग मिलकर इस तरह का घटिया काम कर रहे हैं गौड़ा जी, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये गाँव जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगर सीएम वहां गया तो वो कैलाश हो जाएगा। उस हिसाब से आत्मनिर्भर बनकर रहना ही जन जनार्दन के पक्ष में होता है। अखंड भारत के निर्माण के लिए यह सख्त जरूरी है। ये प्रेरणा के एक स्रोत जैसा है, शक्ति का प्रेरणा स्रोत है। अब मुझे इन सब पिल्लों का सर्वनाश करना है। इन सब को मैं कुचल के रख दूंगा। मैं इन गांव वालों के साथ साथ सारा सबूत मिटा के रख दूंगा। सबको मेरा नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या बात है मिस्टर साहब, बहुत बढ़िया। Thank you.
देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, और अधिकारी और राजकरण के लोग किसान के रीढ़ की हड्डी ही तोड़ने के पीछे पड़ गए हैं। इस गांव के लोग अन्नदाता हैं। गांव की तरक्की ही सही मायने में देश की तरक्की है। किसान मतलब भारत, और भारत मतलब किसान। किसान परिश्रम करके भारत का पेट पालता है, पर जब उसी किसान के पेट की बात आती है तो भारत उसकी तरफ प्यार और मोहब्बत से क्यों नहीं देखता। किसान और देश का भाग्य अलग नहीं बल्कि एक है। किसान को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। जब किसान के साथ न्याय होगा तभी ही सही मायने में भारत के साथ न्याय होगा। हर भारतीय के कर के पैसों से शहर की रोशनियां तो बढ़ते जा रही हैं, पर उसी किसान जो कि अन्नदाता है उसके गांव में अंधेरा छा गया है। अगर ये अंधेरा ये अन्याय नहीं मिटा तो वो किसान जो कि धरती का सीना चीर कर फसल उगाता है वो उग्र हो जाएगा। अपनी आवाज के लिए वो लड़ बैठेगा हर उस साहूकार से जो कि उसके साथ अन्याय करता है, उसका शोषण करता है। देश पे जितना अधिकार पूंजीपतियों का है उतना ही अधिकार हर एक किसान का भी है। किसान मजदूर जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।